हे गाइस, स्वागत है आप सबका मिस्टर हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीमारियों से दूर रहने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसी फूड्स के बारे में जिसका सेवन करके आप बहुत ही इजीली इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो में 5 टिप्स बताया है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप एक बार जरूर चेक कर ले। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आप लोगों को जो फूड्स के बारे में बताऊंगा वो आपकी किचन में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और दोस्तों, आपको अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला फूड है नींबू। दोस्तों, नींबू एक ऐसा फल है जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। दोस्तों, नींबू रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। आप अगर रोज सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी में नींबू स्क्वीज करके लेते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा और आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगा। सेकेंड फूड है गार्लिक यानी लहसुन। दोस्तों, लहसुन एक ऐसा मसाला है जो कि हर किसी के किचन घर में होना ही होना है। लहसुन में मौजूद इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। फूड नंबर 3 जिंजर यानी अदरक। दोस्तों, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अधिक मात्रा में होता है। स्टडीज के अनुसार ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। दोस्तों, अदरक में मौजूद जिंजर ऑयल एक ऐसी पदार्थ है जिसका बहुत सारा औषधीय गुण होता है। नंबर 4 टर्मरिक यानी हल्दी। दोस्तों, हम सदियों से हल्दी को मसाले के रूप में यूज करते आ रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि हल्दी में बहुत सारा पावरफुल औषधीय गुण होता है। हल्दी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल माना जाता है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होता है। यही वजह है कि बार बार सर्दी जुकाम होने पर आपको हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है। फूड नंबर 5 स्पेनिच यानी पालक। दोस्तों, पालक खाने के बहुत सारा फायदे होता है। पालक विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हमने बताया है 5 ऐसे फूड्स के बारे में जिसका सेवन करके आप इजीली इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे जिससे आपकी बॉडी कोई भी बैक्टीरिया वायरस से आसानी से लड़ पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो पाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दे। और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।